तो दोस्तों आज मैं आप लोगों से रिलायंस म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाला, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है म्यूचुअल फंड्स का। तो यहाँ पे धीरे धीरे मैं आप लोगों को सारे, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर की हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, और साथ में आप लोगों को प्राइवेट कंपनी जो भी आप लोगों को म्यूचुअल फंड प्रोवाइड करती हैं, इन सभी के बेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में बात करूंगा इन सभी सीरीज में जो कि म्यूचुअल फंड की सीरीज लेके आ रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे एक जगह सारी म्यूचुअल फंड के बारे में बात कर पाना मुश्किल है, इसलिए मैं आप लोगों को एक एक कंपनी के म्यूचुअल फंड लेके आ रहा हूँ, एक एक बैंकिंग सेक्टर के म्यूचुअल फंड लेके आ रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों को समझने में काफी आसानी हो और आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो मिल सके और यहाँ से आप लोग सही इन्फॉर्मेशन ले सके। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों से रिलायंस के म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने आया हूँ कि रिलायंस का कौन सा बेस्ट आप लोगों को म्यूचुअल फंड मिल जाएगा, कितना आप लोगों को रिटर्न मिल जाएगा। यहाँ पे 3 सालों के रिटर्न के बारे में बात करूंगा, 1 साल का रिटर्न, 3 साल का रिटर्न और 5 साल का रिटर्न, यानी कि 3 स्लैब में आप लोगों को रिटर्न की बात करूंगा, जहां से अगर आप 1 साल के लिए लगाना चाहते हैं, 3 साल के लिए लगाना चाहते हैं, 5 साल के लिए पैसा लगाना चाहते हैं, तो आप लोगों को कितना रिटर्न आगे जो कि मिल जाएगा फ्यूचर में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानेंगे कि कौन सा बेस्ट म्यूचुअल फंड होगा रिलायंस का, और साथ में आप लोगों को नीचे वेबसाइट मिल जाएगी जहां से अप्लाई कर सकते हैं और हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगी। अगर आपको ये म्यूचुअल फंड सही लगता है आपके हिसाब से, तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके और जानकारी ले सकते हैं, और इसके आने वाले फ्यूचर में जितनी भी डिमांड हो या फिर रिटर्न से हो, चाहे वो किसी भी तरह की डिमांड हो, आप यहां से पता कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं इंडियन फीवर चैनल और मैं हूं रवि, आप सभी का एक बार फिर से हमारे और आपके इंडियन फीवर चैनल में स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि रिलायंस का कौन सा बेस्ट म्यूचुअल फंड आप लोगों को अच्छा रिटर्न देता है। यहां पे 3 स्लैब की बात करेंगे और साथ में आप लोग नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में सारी चीजों की जानकारी ले सकते हैं। आप लोगों को हमारी एक ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी, वहां पर मैंने एक बढ़िया सा ब्लॉग भी लिख रखा है आप लोगों के लिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ रिलायंस म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ बात करें, तो रिलायंस म्यूचुअल फंड इंडिया में काफी ब्रॉड तरीके से फैला हुआ है, यहाँ पे काफी लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ से आपको बता दूं कि 30% तक का इंटरेस्ट लोन ले गए हैं। यहाँ पे सालाना आप लोगों को लगभग 28% का इंटरेस्ट गया है सालाना। एक म्यूचुअल फंड है उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, और साथ में 5 साल का रिटर्न लिया है 30% तक का, 29.82% का। तो दोस्तों काफी अच्छा रिटर्न दे रहा है। साथ में यहाँ पे आप लोगों को 4 म्यूचुअल फंड के नाम नीचे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप लोग पूरे डिटेल वहाँ पे मिल जाएगी। ये सारी जानकारी मैंने बड़े बड़े वेबसाइट से निकाली है, जो फाइनेंस एडवाइजर हैं और साथ में यहाँ पे लोग निवेश कर रहे हैं पैसा, तो यहाँ से मैंने निकाली है सारे आंकड़ों को देख करके। सारी एनालिसिस करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को मैंने 4 म्यूचुअल फंड के बारे में बताया, जो कि आप लोग नीचे देख सकते हैं। उन चारों के नाम लिखे हैं, आगे मैं वो भी आपको बता दूंगा कौन कौन से म्यूचुअल फंड है। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को ध्यान में ये रखना है कि अगर आप लोगों को ये म्यूचुअल फंड सही लगता है, तो आप लोग जरूर एक बार कन्फर्मेशन के लिए हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके यहाँ से बात करेंगे, तब जाकर के आप अपने पैसे को यहाँ इन्वेस्ट करेंगे। यहाँ पे अगर हम पैसे इन्वेस्ट करने की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप मिनिमम 300 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं, और मैक्सिमम आप कितने भी रुपए से स्टार्ट कर सकते, कितने भी रुपए की SIPs ले सकते हैं किस। तो दोस्तों यहाँ पे अब SIPs की बात आ गई, तो आप इक्विटी के म्यूचुअल फंड में जाएगा। इक्विटी के म्यूचुअल फंड में आप लोगों को मैंने चारों को बताया, यहाँ पे इक्विटी में ही काफी अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को इक्विटी के म्यूचुअल फंड के साथ जाना है, इन्हीं सबों की SIPs लेनी है आप लोगों को, जो मैं आगे आप लोगों को 4 म्यूचुअल फंड बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैंने म्यूचुअल फंड रखा है यहाँ पे रिलायंस अपॉर्चुनिटी फंड, एंड दूसरे पे रिलायंस स्मॉल कैप फंड, और तीसरे पे रिलायंस टैक्स सेवर फंड और रिलायंस ग्रोथ फंड। ये चारों फंड में दोस्तों मैं आपको बता दूं काफी अच्छे इंटरेस्ट मिले हैं लोगों को। तो दोस्तों अगर हम रिलायंस ग्रोथ फंड की बात करें, तो यहाँ लोगों को 1, 3 और 5 सालों में, 1 साल की अगर बात कर लें तो यहाँ पे 25% का इंटरेस्ट मिला है, अगर 3 सालों की बात कर लें तो यहाँ पे 26% का इंटरेस्ट मिला है, अगर 5 सालों की बात कर लें तो ये लंबा रिटर्न काफी कम दिया है, 16% का रिटर्न दिया है पिछले 5 सालों की मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये आप लोग यहाँ से आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 1 या फिर 3 सालों के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ से आप लोगों को काफी शॉर्ट टर्म में अच्छा इंटरेस्ट मिल जाता है। और दोस्तों यहाँ रिलायंस म्यूचुअल फंड के स्मॉल कैप फंड की बात कर लें, तो यहाँ पे ये भी काफी अच्छा रिटर्न दिया है, 1 साल 3 साल 5 सालों का। तो यहाँ अगर 1 साल की बात कर लें, तो यहाँ पे आप लोगों को 18% का इंटरेस्ट मिला है, अगर 3 सालों की बात कर लें तो यहाँ पे आप लोगों को 21% का इंटरेस्ट मिला है, और वहीं 5 साल की बात कर लें तो काफी अच्छा इंटरेस्ट दिया है, 26% तक का जो कि इंटरेस्ट दिया है। वहीं पे अगर रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड की बात कर लें, तो दोस्तों यहाँ पे काफी अच्छा इंटरेस्ट दिया है, 5 सालों में लगभग 30% तक का इंटरेस्ट दिया, और साथ में अगर 3 सालों की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को 29% का रिटर्न मिला है, और वहीं पे 1 सालों की बात करें यहाँ पे तो आप लोगों को यहाँ पे 19% तक का जो कि रिटर्न दिया है रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड। तो दोस्तों ये काफी अच्छे फंड्स हैं। तो दोस्तों ये सारे फंड्स के नाम आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहाँ से आप लोगों को काफी आसानी होगी समझने में, और साथ में आप लोगों को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी और हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग
अप्लाई करने से पहले यहाँ कॉल कर सकते हैं। साथ में अप्लाई करने के लिए आप यहाँ से वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। अगर आप अप्लाई करने का मन बना लिए हैं तो वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पर सिंपली बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आपके पास एक कोई पेमेंट मेथड होना चाहिए, चाहे वो ऑनलाइन बैंकिंग हो, चाहे वो आपका ATM हो, चाहे PTM हो, चाहे भीम हो, यहाँ से आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। आप लोगों के पास पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए और थोड़े बहुत जो डॉक्यूमेंटल आप लोगों के वेरिफिकेशन के होते हैं वो होने चाहिए, जिससे कि आप यहाँ पे आराम से अकाउंट जो कि खोल सकते हैं। और यहाँ पे आप लोगों को यूजर आईडी और पासवर्ड जनरेट होकर के मिल जाएगा, जो कि आप आगे इसके डेली NAV चेक कर सकते हैं और भी कई सारे डिटेल यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आप लोगों को कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, कितना पैसा है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही है। ये रिलायंस के बेस्ट म्यूचुअल फंड है, जो कि मैंने नीचे चारों आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आप लोगों को चारों नाम वहाँ पे मिल जाएंगे और साथ में यहाँ पे अगर आप पूरी डिटेल चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे आप लोगों को पूरी डिटेल वहाँ पे 1 से 5 सालों तक के रिटर्न के बारे में वहाँ मैंने लिख रखा है, जहाँ पे आप लोगों को काफ़ी आसानी होगी इन चीज़ों को समझने में। और अप्लाई करने की आप सोच चुके हैं तो नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है मैंने वेबसाइट की, वहां से आप जा करके अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में आप लोगों को हेल्पलाइन नंबर दी हुई है, अगर आपके अंदर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप वहां से इस स्कीम के तहत क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर कोई भी जो कि फंड है, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे कोई भी फंड हो रिलायंस का, उसके लिए आप जानकारी ले सकते हैं। बाकी आपको कोई जानकारी चाहिए, मैं हेल्प कर सकता हूं आपकी, मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप पूछ सकते हैं, वहां से मैं आप लोगों की पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा इसी तरह की और वीडियो साथ, क्योंकि ये एक सीरीज चल रही है म्यूचुअल फंड की। यहाँ पे मैं अलग अलग कंपनीज के, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर के हों, चाहे प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हों, यहाँ पे मैं आप लोगों को म्यूचुअल फंड के बेस्ट म्यूचुअल फंड बताने आया हूँ। इन सारी सीरीज में आप लोगों को बेस्ट म्यूचुअल फंड पता चलेंगे, उनके इंटरेस्ट के साथ आप लोगों को कितने सालों में कितना इंटरेस्ट आप लोगों को मिल जाता है। तो दोस्तों, इस चैनल को आप अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आगे आप लोगों को और म्यूचुअल फंड, बेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, फिलहाल आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज आप इसे थम्स अप दीजिए और दूसरों के साथ शेयर करके उनको भी जानने का मौका दीजिए और वो कहीं अपने पैसे को इन्वेस्ट करें तो सही जगह इन्वेस्ट करें, जिससे कि यहां से उनको पता चल सके, यहां पे बेस्ट म्यूचुअल फंड पता चल सके। क्योंकि यहां म्यूचुअल फंड, चाहे जो भी म्यूचुअल फंड आप लेते हैं, तो वहां से आप लोगों को काफी अच्छा इंटरेस्ट मिल जाता है, लेकिन उससे भी अच्छा इंटरेस्ट कहाँ आप लोगों को मिल जाता है, यहाँ पे आप लोगों को पता चल जाएगा। और आपको हेल्पलाइन नंबर के साथ साथ वेबसाइट भी मिल जाएगी, जहाँ पे आप अप्लाई करते हैं। तो चलिए, फिलहाल आज के वीडियो में सब इतना ही है। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन को क्लिक कर लिया है तो तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। और हमारा ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो के लास्ट में मैंने कुछ वीडियोस प्रोवाइड करी हैं, वहां से आप उन पे भी जाकर के देख सकते हैं और उसके बारे में भी जानकारी उठा सकते हैं और अपने म्यूचुअल फंड की जानकारी को थोड़ा और ब्रॉड कर सकते हैं और वहां से आप लोग सही इन्वेस्टमेंट प्लान जो कि ले सकते हैं और सही म्यूचुअल फंड। तो एक बार फिर से मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।